अभी और हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। निजी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था, 10,000 से अधिक। आज यहां रांची के टाना भगत इस इंडोर स्टेडियम में आज 13 मई का ऐतिहासिक दिन और हजारों की संख्या में माध्यमिक शिक्षक की बहाली के इस कार्यक्रम में, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल में हमारे साथ काम कर रहे आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, यहां उपस्थित सरकार के सभी वरीय पदाधिकारीगण, विभाग के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां नवनियुक्त हुए आप सभी शिक्षकगण और उनके अभिभावकगण, आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, वो भी माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति है। मुख्य सचिव जी ने पहले ही कहा, ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। और हमने झारखंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर गांठ बांध रखी है कि उस समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से हमें निकालना है। क्योंकि इस राज का जन्म, इस राज का अलग राज की स्थापना के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है, इस क्षेत्र के मूलवासी आदिवासियों के लिए यहां पर अनेक संघर्ष हुए हैं।
और यह संघर्ष इतना लंबा चला कि अंतोगत्वा उस संघर्ष के माध्यम से यह नया राज्य का सृजन होता है। और आदरणीय दुसम गुरु जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में यह राज हमें मिला, लेकिन राज बनने के बाद आज भी झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये बात बोलने में इतनी तकलीफ होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हों, आज वो राज देश का सबसे पिछड़ा राज्य। और पिछड़ा राज्य के साथ साथ इस राज्य को मजदूरों का भी राज माना जाता है। तो क्या हम अपने आप को पिछड़ा राज्य, मजदूरों वाला राज्य कहने में गौरवान्वित महसूस करेंगे? मैं नहीं कर सकता। इसको लेकर हमने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे वो संपन्न हो, इसका संकल्प लिया है। इस क्रम में हमने कई निर्णय लिए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बहाली यहां देखने को मिल रही है। ऐसे कई नियुक्तियां विगत हम लोगों ने कई झंझावतों के बाद भी, कई मुसीबतों के से जूझने के बावजूद भी अपने कदमों को हम लोगों ने रुकने नहीं दिया। आप सब तो गवाह है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला और कोरोना में जो हुज्जतें हमारे राज्य में हुई वो भी किसी से छुपा नहीं है और उस महामारी को भी सीमित संसाधन में, जहां डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव के बावजूद भी हमने उन 2 साल को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के, अफरा तफरी के इस राज्य के लोगों को सकुशल बचाने का काम किया। वो तो महामारी आई, पूरे दुनिया में फैली और ज्यों ही हम इस राज्य को एक दिशा देने के कदमों की ओर आगे बढ़े, एक और महामारी देश के अंदर आ गया जिसका नाम है CBI ED। पूरा देश उससे ग्रसित है। हमारे राज्य में भी इसका विचरण होने लगा। हम बोले चलो खोजबीन करो, फिर भी इन झंझावतों के बाद भी हम लोगों ने अभी कल परसों ही
10 मई को पहली बार मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई। लगभग 107 लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति हुई। इसी प्रांगण में, इसी टाना भगत इंडोर स्टेडियम में लगभग 250 से अधिक जेपीएससी के हमारे नौजवानों को नियुक्ति पत्र हमने दिया था। जो जेपीएससी पहले एग्जाम लेती थी, कब उसका परिणाम प्रकाशित होगा, कब नियुक्ति मिलेगी, सबकी उम्मीद खत्म सी हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने, मुझे लगता है कि बीस वर्षों में पहली वो नियुक्तियां थी जो निश्चित सीमा से पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित करके उन बच्चों को नियुक्ति दिया और आज पदाधिकारी के रूप में आज हमारे राज्य में राज्य की सेवा में लगे हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे, उस जेपीएससी में जो बीडीओ बना, कोई सीओ बना, कोई कलेक्टर बना, दुनिया भर के अलग अलग विभागों का पदाधिकारी के रूप में बने, उनमें से 30-35 बच्चे जो बीपीएल परिवार के थे, जिसका घर सरकार के अनाज से चलता था, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी लोग था, निश्चित रूप से ऐसी खबर सुनने के बाद हमें एक अलग ताकत मिलती है और सर्व गौरव से ऊंचा होने लगता। उसी प्रकार राज अलग होने के बाद पहली बार आज नई नई तकनीक हर क्षेत्र में आ रही है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी कई तकनीकों के साथ खेती बाड़ी की जाती है। पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, पशु चिकित्सक की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, चिकित्सा पदाधिकारी लगभग 450 लोगों का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी हाल में ही नर्स का भी हम लोगों ने 15 अगस्त को, नवंबर को नियुक्ति दिया, लगभग 300 से अधिक नर्सों को हम लोगों ने नियुक्त किया। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की लगभग 200 से अधिक, कई ऐसे। और अभी निजी क्षेत्र में भी, ये तो सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोग थे, इसके अलावा कई निजी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था, 10,000 से अधिक। ये तो आज हम लोग टाना भगत स्टेडियम में हम लोगों ने ये नियुक्ति पत्र बांटी, वो नियुक्ति पत्र तो हमें मोराबादी मैदान में बांटना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या थी। और सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है, अभी हमने उसका जो निजी क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति हुई उनका डाटाबेस भी हम लोगों ने बना रखा है कि उन बच्चों को भी हम आज अपने नजरों में रखते हैं कि वो और आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, वो बच्चे निजी क्षेत्रों में काम करते करते इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आज उनमें से कई, कोई दुबई चला गया, कोई और अलग अलग। और अभी हम लोगों ने यहां पर लगभग 650 लोगों को नवंबर में ही
सहायक अभियंता का नियुक्ति पत्र दिया है। हमने कहा पहले भी कई झंझावतों के बावजूद हम लोगों ने अपने पैर नहीं रोके, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। लेकिन मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं उन सभी सहायक अभियंताओं की कि कल से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जहां आपको जाना होगा आप तुरंत वहां जाकर के अपना पदभार संभाल लें। कई चीजें दिमागों से उतर भी जाता है और आज आप सभी शिक्षकगणों से यही मैं कहना चाहूंगा, ये मजदूरों का राज के रूप में ये राज जाना जा रहा है और आज जो शिक्षा का स्तर है, जहां लोग मशीनों से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े डाटाओं के साथ उनकी पढ़ाई हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई अब चरम पर है और बड़े बड़े उद्योग भी अब धीरे धीरे मशीनों के सहारे उन उद्योगों को चलाना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे या स्किल्ड नहीं होंगे तो आने वाला समय में उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। तो हम मजदूरी क्यों पैदा करें, हम होनहार विद्वान बच्चों को क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएं? ये आगे चल करके 5000 से अधिक इनके संख्या होनी है और जो पहले की व्यवस्था थी एक दो कमरे में 60-70-80-100 बच्चे और मात्र एक शिक्षक, वही अंग्रेजी वही हिंदी वही भूगोल वही संस्कृत वही गणित पढ़ाएगा, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पर हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि बच्चों को ठगने का काम किया जा रहा था। इसीलिए हम लोग बच्चों के संख्या के अनुपात में आने वाला समय में इस राज्य में शिक्षकों की पूरी तादाद भरेंगे ताकि यहां का जो शिक्षा का स्तर हो, अभी जो इस विभाग के सचिव हैं के रवि कुमार जी, ये जिस राज्य से आते हैं उनसे पूछिए उस राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है। अधिकारी लगभग 450 लोगों का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, अभी हाल में ही नर्स का भी हम लोगों ने 15 नवंबर को नियुक्ति दिया, लगभग 300 से अधिक नर्सों को हम लोगों ने नियुक्त किया, आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की लगभग 200 से अधिक, कई ऐसे और अभी निजी क्षेत्र में भी, ये तो सरकार के अधीन कार्य करने वाले लोग थे, इसके अलावा कई निजी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया था 10,000 से अधिक। ये तो आज हम लोग ताना भगत स्टेडियम में हम लोगों ने ये नियुक्ति पत्र बांटी, वो नियुक्ति पत्र तो हमें मोराबादी मैदान में बांटना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या थी। और सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं है, अभी हमने उसका जो निजी क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति हुई उनका डाटाबेस भी हम लोगों ने बना रखा है कि उन बच्चों को भी हम आज अपने नजरों में रखते हैं कि वो और आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, वो बच्चे निजी क्षेत्रों में काम करते करते इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आज उनमें से कई सैकड़ों बच्चे, कोई सिंगापुर चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई और अलग अलग, और
अभी हम लोगों ने यहां पर लगभग 650 लोगों को नवंबर में ही सहायक अभियंता का नियुक्ति पत्र दिया है। उल्टे सीधे करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं होता हूं कि इतने बड़े समूह में सारे के सारे लोग उल्टे काम करते हैं। हमारा यह प्रयास है आज के दिन में भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत अधिक नहीं है, बल्कि अच्छे काम करने वाले लोगों की तादाद अधिक है। अगर हम अपने कार्य प्रणाली में बदलाव ऐसे लाएं तो निश्चित रूप से जो उल्टे सीधे करने वाले लोग भी हैं वो भी आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे आने वाले समय में और राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर सकते। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां आपके अभिभावकगण भी आए हैं, बच्चे उच्चे लोग भी आए हैं। आज खुशी का भी दिन है, लेकिन एक संकल्प लेने का भी दिन है, क्योंकि यह शिक्षा हमारे लिए एक रीढ़ का हड्डी साबित होगा। हमने अपने नौनिहालों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी तो इस राज्य को जो आज एक मजदूर आधारित राज्य के से जाना जाता है, राज्य में वो क्षमता है, बस उसको एक तराशने की आवश्यकता है। आज खेल के जगत में क्यों हमारे बच्चे देश और दुनिया में जाकर के पूरा देश का परचम लहरा रहे हैं। आज महिला हॉकी में 6-6, 7-7 बच्चियां हमारे राज्य की होती है, क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। आज उसके तहत हम लोगों ने कई खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति भी सरकार के अंदर में देकर सम्मान बढ़ाया है, कई पुरस्कार, करोड़ों पुरस्कार भी दिए हैं, ताकि खेल की जगत में वो और आगे बढ़ सके। तो इसलिए अभी हर क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे ऐसे विषय हैं जहां हमें बहुत उसकी नींव हमें मजबूत रखनी है। नींव मजबूत होगा तो फिर ऊपर कितना आंधी तूफान। आप सब लोगों के लिए, ये तो अभी लगभग 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ये नियुक्तियां अभी और लगातार कई नियुक्तियों के वैकेंसीज के लिए प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण पर है। अभी और हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। इसीलिए ये तो अभी लगता है कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक दिन और एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों, मजदूरों के लिए। आपको उन सब के भविष्य में एक नई बदलाव की एक नई जिम्मेवारी आप मजबूती से उठा पाए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जोहार।